हाथ पर इन दो जगहों पर बना स्वास्तिक चमका देता है किस्मत के सितारे। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली पर विभिन्न प्रकार की रेखाएं एवं इसके साथ कुछ चिन्ह भी होते हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य की एक झलक देते हैं। इस विस्तृत शास्त्र को वैज्ञानिक मत प्राप्त तो है, किंतु साथ ही यह भी बताया जाता है कि हाथ की रेखाओं से जाने गए भविष्य को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये रेखाएं समय के साथ बदलती जरूर है। वो कहते हैं ना कि हम चाहे तो किस्मत हमारे हाथ में ही होती है। यह बात शास्त्रीय मतों के हिसाब से सही भी है, क्योंकि हमारे कर्म और हमारे द्वारा किए गए शास्त्रीय उपाय इन रेखाओं को धीरे धीरे बदलने में सफल हो जाते हैं। किंतु रेखाओं के अलावा हमारे हाथ पर कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो रेखाओं की तुलना में अधिक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यह निशान प्राकृतिक देन है। हस्तरेखा शास्त्र द्वारा बताए गए यदि शुभ निशान आपकी हथेली पर है तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद ही समझे, किंतु अशुभ चिन्ह है तो भाग्य को नकारात्मक प्रभावों से बचाना मुश्किल हो जाता है। खैर, घबराएं नहीं, क्योंकि आज हम आपको इस महान शास्त्र द्वारा प्रदान किए गए एक शुभ हस्त चिन्ह के बारे में बताने जा रहे हैं। यह है हाथ पर बना स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में वैसे भी शुभ ही माना गया है। विभिन्न शोध और इतिहास के गहरे अध्ययन के बाद यह मालूम होता है कि न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों और सांप्रदायिक दलों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल होता आ रहा है। किंतु बात जहाँ तक हथेली पर बने स्वास्तिक चिन्ह की है, तो चलिए आपको बताते हैं कि हथेली के किस स्थान पर बना वास्तविक स्वास्तिक चिन्ह कैसा शुभ प्रभाव लाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक एक ऐसा शुभ चिन्ह है जो हाथ पर कहीं भी बना हो, यह उस व्यक्ति के लिए शुभ ही होता है। मूलतः यह माना जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह जीवन में धन दौलत को लाता है। ऐसा इंसान कभी न कभी धनवान जरूर बनता है, लेकिन यह धन दौलत अचानक ही प्राप्त होती है, क्योंकि हथेली पर बना स्वास्तिक का चिन्ह अपने प्रभाव के अनुसार जीवन के एक समय पर आकर एक्टिव हो जाता है और रातों रात व्यक्ति को अमीर बना देता है। रातों रात गरीब से अमीर बन जाने की कहानियां शायद फिल्मी ही लगती होंगी, लेकिन हस्तरेखा शास्त्रियों के अनुसार हाथ पर बना स्वास्तिक का निशान इस कहानी की सच्चाई बदलने में सक्षम होता है। हथेलियों पर कहीं भी स्वास्तिक का चिन्ह होने पर व्यक्ति को जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब उसे आश्चर्यजनक धन लाभ होता है। ऐसे चिन्ह वाला यदि गरीब परिवार में भी जन्मा हो तो वह अपने जीवन में स्वयं प्रयत्नों से धनी बन सकता है। धनवान होने के अलावा ऐसा व्यक्ति धर्म, कर्म, पूजा पाठ, सामाजिक सेवा जैसे पूर्ण युक्त कृत्यों में भी अपनी भागीदारी बनाए रखता है। हाथ में कहीं भी स्वास्तिक के निशान होने से ऐसे लोगों का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है, जीवन को उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां अपने घर और समाज में विशेष कद्र हो जाती है। इनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर कई लोग आगे बढ़ जाते हैं। भाग्य रेखा पर स्वास्तिक। यदि हाथ की भाग्य रेखा पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है। इतना ही नहीं, इनकी सोच भी अन्य लोगों की तुलना में अलग और ऊंची होती है। हथेली पर बनी भाग्य रेखा हमारे पूरे जीवन को दर्शाती है, और यदि इस रेखा पर स्वास्तिक का चिन्ह हो तो यह चिन्ह जीवन में कई बार लाभप्रद सिद्ध होता है। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब इस शुभ चिन्ह के प्रभाव से व्यक्ति आर्थिक उन्नति करता चला जाता है। गुरु पर्वत पर स्वास्तिक। हथेली पर गुरु पर्वत एक ऐसा स्थान है जिस पर यदि कोई शुभ चिन्ह विराजमान हो तो व्यक्ति की लाइफ बन जाती है। वही अगर यहाँ कोई शुभ चिन्ह बना हो तो यह जीवन के हर प्रकार के शुभ अवसरों का खात्मा कर देता है। गुरु पर्वत पर बना स्वास्तिक चिन्ह समाज में प्रसिद्धि दिलाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल खुद का बल्कि अपने परिवार की भी मान सम्मान ऊंचा करने में सक्षम बनता है। गुरु पर्वत पर यदि स्वास्तिक चिन्ह हल्का दिखाई दे रहा हो तो इसका शुभ प्रभाव तो हासिल होता है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। किंतु यदि यह निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत ही चमक जाती है। कम मेहनत में भी उसे सफल सभी फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।